लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान को प्रत्याशी के रूप में उतारा। अरविंद चौहान ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप? स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। हम लोगों के पास जाएंगे और जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं और जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस का उनके सॉल्यूशंस हम उनको ऑफर कर रहे हैं। जैसे अब तक सबसे बड़ी जो समस्याएं यहां पर हैं उनमें से जॉब्स नंबर वन है। लगभग 2 लाख युवा गौतम बुद्ध नगर में बेरोज़गार है, तो बेरोज़गारी बहुत बड़ी है। और अगर स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर हैं, MBAs हैं और घर पर अगर बैठेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो जॉब्स का सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर नोएडा शहर की मैं बात करूं, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी प्लानिंग है कि हम यहां से जीत के जाते हैं तो जितनी भी सड़कें हैं गौतम बुद्ध नगर में हम उन पर CCTV सर्वेलेंस करवाएंगे और जो पुलिस स्टेशंस हैं उनमें भी CCTV सर्वेलेंस होगा। और लगभग 30% जो है महिला कॉन्स्टेबल एज अ पुलिस फोर्स की टीम का पार्ट रहेंगी, तो ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद फिर एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो है स्कूल फीस का। स्कूलों की फीस लगातार हर साल बढ़ती जा रही है और जो बहुत मुश्किल हो गया है पेरेंट्स के लिए बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड करना, तो हम एक लॉ लेके आएंगे, बिल पास करेंगे जिससे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अच्छी फीस चार्ज करें, रीजनेबल फीस चार्ज करें, बट मनमानी फीस ना चार्ज कर सकें, ये हमारा प्रयास होगा। आपने किसानों के मुद्दे के बारे में तो बात करी नहीं। गौतम बुद्ध नगर के जो किसान हैं वो तो पिछले 5 साल से काफ़ी परेशान है, क्योंकि आप अभी शहर में हैं इसलिए मुझे लगा मैं आपसे शहर की बात करूँ, वरना हमारा सीट तो पूरी 5 की है ना। तो आप किसान का मुद्दा हमारे लिए सबसे ऊपर है, पहले किसान का मुद्दा आता है, बाकी सब मुद्दे आते हैं, क्योंकि शहर में थे मुझे लगा आप शायद शहर के मुद्दे जानना चाहते हैं। तो सबसे जो आज जो हालत है देश में, आज हर घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है पूरे देश में और साल में हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। लगभग देश के आधे किसानों के ऊपर कर्जा है और जो उनको उचित दाम मिलना चाहिए ब्याज का वो नहीं मिल पा रहा है। किसान ने कहा था सरकार ने कहा था दुगनी आमदनी हो जाएगी, दुगनी तो छोड़िए, जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। तो कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो जो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है C2+50% MSP की, उसको हम लागू करेंगे और जो उनके लोन्स हैं फार्मर्स के सब्सिडाइज करेंगे। और जो एक लैंड एक्विजिशन का जो बहुत बड़ा मैटर है, जैसे अभी एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन को जो है छीना जा रहा है, तो हम ये कोशिश करेंगे उसमें जो मुद्दा है किसान चाहते हैं रूरल पैरामीटर से मुआवजा मिले, सरकार उनको एक जो डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं उस पैरामीटर पर मुआवजा देना चाहती है 2 times, किसान चाहते हैं 4 times, हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और ये पूरी कोशिश होगी कि उनको 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये कांग्रेस प्रत्याशी थे डॉक्टर अरविंद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो गौतम बुद्ध नगर की जनता है उनको काफ़ी पसंद कर रही है और जो गौतम बुद्ध नगर के मुद्दे हैं उनको लेके जो है जनता के बीच में जाएंगे और जीतने के बाद उन मुद्दों को पूरा करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र TV नोएडा।